दोस्तों आप सभी दर्शकों का नाजरीन का आमना सामना मीडिया में स्वागत है, खैर मकदम है। ईद उल अजहा बकरीद के हवाले से मुंबई और महाराष्ट्र की मोहतबर शख्सियत रजा अकेडमी के सदर मौलाना सईद नूरी दामद बरकातो ने वीडियो के तवसुस से सभी मुसलमानों से अपील और अहम हिदायत जारी की है। इस हिदायत पर अमल हर मुसलमान की मिली समाजी इंसानी और मजहबी जिम्मेदारी है, ताकि शरपसंदों को अमन अमान बर्बाद करने का मौका न मिले। आइए जानते हैं मौलाना सईद नूरी ने क्या अपील की उम्मत मुसलमा से। 10, 11, 12 जिलहज्जा को हम इंशाअल्लाह ताला सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। हमको चाहिए कि हम इन बातों का ख़ास ख्याल रखें, जैसे उन जानवरों की ही कुर्बानी करें जिनकी हुकूमत की जानिब से इजाज़त है। जानवर किसी के दुकान या मकान के सामने उनके दरवाज़े पर ना बांधे जाएं। कोई ऐसा काम ना करें कि पड़ोसियों को या अहले वतन को हमारे उस फेल से तकलीफ पहुँची। बड़े जानवरों को गलियों और मोहल्लों में ना घुमाएं। कुर्बानी करते हुए जानवरों की वीडियो हरगिज़ ना बनाएं। कुर्बानी उसी जगह पर करें जिन जगहों का तायुन हुकूमत की जानिब से किया गया है। साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें कि गंदगी से बीमारी फैलने का ख़तरा पैदा हो जाता है। जानवरों की वो चीज़ें जो फेंक दी जाती है, जैसे ओझड़ी वगैरह, उसको प्लास्टिक की थैली में रखकर बल्दिया म्यूनसिपलिटी ग्राम पंचायत की जानिब से जो डब्बे लगाए जाते हैं उन डब्बों में ही डालें, रास्ते में या और किसी जगह पर उसको ना फेंकें। खून आलूद कपड़े, कुर्बानी के बाद हमारे कपड़ों में खून लग जाता है, वो कपड़े न पहने, फौरन कुर्बानी के बाद अपने कपड़े बदल लें। इसके अलावा और भी जो बेहतर तदबीरें की जा सकती हैं वो तदबीरें की जाएं, जिससे अमन अमान सुकून और इत्मीनान के साथ कुर्बानी का फरीज़ा हम अंजाम दे सकें। खुदा हाफिज़ व नासिर। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त इजाज़त चाहता है राशिद जी। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।